नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची जिले के तकरीबन सैकड़ों पत्रकार वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर हमला के विरोध में पुलिस मुख्यालय पहुंचे। पत्रकार पर हुए हमले का सभी पत्रकारों ने हमले की सख्त शब्दों में निंदा की है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस हमलावरों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष, सचिव, तमाम सभी पत्रकारों ने कहा, पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों ने मांग की है कि शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार की जाए, नहीं तो इस मामले में पत्रकार प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने पत्रकारों से मुलाकात कर पत्रकारों से घटना की जानकारी ली और पत्रकारों को आश्वासन दिया कि कोई भी होगा उसे हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। तो बैजनाथ महतो जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सबको पता है, समाचार प्लस में, एबीपी न्यूज़ में थे पहले, उन पर बहुत ही जघन्य जो है कि जानलेवा हमला किया गया है। वो बहुत सीरियस हैं, अभी रिम्स में एडमिट हैं और एकदम खतरे की स्थिति है। कभी भी कुछ हो सकता है। डॉक्टर से लगातार हम लोग संपर्क में है, लेकिन जो जिस तरह से इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई, उससे तमाम पत्रकार बहुत रुष्ट हैं, नाराज हैं। जिस तरह से हुई, उसी की शिकायत के लिए हम लोग आए हुए थे यहाँ। डीजीपी साहब से मिले पहले और उसके बाद अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिल करके हम लोग निकल रहे हैं। डीजीपी साहब से पहले मिले, उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने होमकर, जो गाजी ऑपरेशन है, उनको होमकर साहब को उन्होंने जिम्मेवारी दिया है, पूरी जांच का आदेश दिया है और जांच का आदेश की रिपोर्ट जैसे मिलते ही वो कार्रवाई का भी आश्वासन डीजीपी साहब ने दिया है। दूसरी तरफ फिर जब चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आए हम लोग, उनको भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और पुलिस की लापरवाही के संदर्भ में भी बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर डीजीपी से बात करके इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। हम लोगों ने ये भी कहा कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी है, जो जिन्होंने कोताही बरती है, लापरवाही बरती है, उन पर भी ठोस कार्रवाई हो, एक कार्रवाई सुनिश्चित हो। जो पूर्व में शिकायत दर्ज कराई गई थी उसके संबंध में, घटना की परिस्थितियों के संबंध में, अनुसंधान के बिंदु पर और अन्य जो भी शिकायतें हैं, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी या लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उन बिंदुओं पर आईजी अभियान श्री अमोल होमकर, जो यहाँ रह चुके हैं और पूरे शहर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वो जांच करेंगे और जांच करके फिर इनके रिपोर्ट के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। वी टाइम न्यूज़ के लिए रांची से दिलीप सिंह परिहार की रिपोर्ट।